यह वीडियो देखने से पहले आपको बता दूं कि यदि आपका कोई परिजन, रिश्तेदार या फिर कोई भी जानकार एनडीए की तैयारी करना चाहता है तो कर्नल शंभू डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी सीकर की एक शानदार योजना है। इस योजना के तहत एनडीए की तैयारी के लिए एकेडमी में प्रवेश लेने वाले उस अभ्यर्थी को एक टैबलेट दिया जाएगा जो साल भर की फीस एक साथ जमा कराएंगे। अतः इस योजना का लाभ उठाएं। कर्नल शंभू डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी सीकर में सेना में अधिकारी बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को एनडीए की कोचिंग दी जाती है। क्योंकि इस एकेडमी का संचालन एक महिला सोनिया शेखावत करती है, जिसका सपना है कि महिलाएं अन्य क्षेत्रों के साथ साथ भारतीय सेना में भी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी बने। अतः सोनिया शेखावत लड़कों के साथ लड़कियों को भी एनडीए की तैयारी करवाती है। हमने सोनिया शेखावत से लड़कों के साथ साथ लड़कियों को एनडीए की तैयारी कराने के बारे में बात की, तब उन्होंने हमें बताया। हमारी एकेडमी में भी एनडीए के बैचेस चल रहे हैं जो कि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए चल रहे हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि ये जो फर्स्ट बैच होगा जिसमें गर्ल्स अभी एग्ज़ाम देगी एनडीए का, गर्ल्स के मन में ये डाउट रहता है कि जैसे आर्मी में फ़र्स्ट टाइम गर्ल्स जाएंगी तो उनको ये है कि हमारे साथ किस तरह ट्रीट किया जाएगा या हमें वो समानता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करने को मिलेगी। तो उन सब गर्ल्स के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंडियन आर्मी में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है आपके जेंडर को लेके, आपके रिलीजन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके कोई भी भेदभाव नहीं होता है। फौज में दो चीज़ों पे आपको जज किया जाता है, फर्स्ट होता है आपका प्रोफेशनलिज्म और दूसरा होता है आपकी कॉम्पिटेंसी। फौज को किस तरह के सैनिक और अधिकारी चाहिए, इस पर प्रकाश डालते हुए सोनिया शेखावत ने हमें बताया। फौज को तीन चीज़ें चाहिए, फर्स्ट है डिसिप्लिन पर्सनैलिटी चाहिए, दूसरा चाहिए स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन चाहिए, और तीसरा है हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। तो ये सारी चीज़ें जिस बंदे में है वो फौज के लिए फिट है। और जो बंदा गिर के फिर से उठे, ऐसा नहीं कि हार मान ले, एक बार हार गया और उसके बाद में सोचे कि नहीं अब मुझे नहीं करना है, जिस बंदे में ये विल पावर हो, ये उसने अपने आप में ठान लिया हो कि मुझे ये काम करना ही है, वो बंदा फौज के लिए बना है। सोनिया शेखावत ने लड़कियों के मन में सेना में अधिकारी बनने की चाहत को समझा और उनके सपने पूरे करने की दिशा में योगदान देने के लिए लड़कियों के लिए भी डिफेंस एकेडमी खोली। आखिर एक महिला ही महिला का ड्रीम समझ सकती है। लड़कियों की इसी ड्रीम पर चर्चा करते हुए सोनिया शेखावत ने कहा, गर्ल्स के लिए एकेडमी स्टार्ट करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है मेन, वो ये है कि गर्ल्स को भी इंडियन आर्मी में कंधों पे तारे पहनने का मौका मिले और वो भी लड़कों की तरह इंडियन आर्मी में ऑफिसर बने। अगर हम लोग लड़कियों के मन में ये ललक पैदा कर सकें कि उनको इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना है, तो आधी लड़ाई तो यहीं पे हमारी ख़त्म हो जाती है और जो बाकी की बची हुई आधी लड़ाई है वो हम अकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान उनकी पूरी करेंगे और इस तरह उनके सपने भी पूरे होंगे और वो भी इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकेंगे। कर्नल शंभू डिफेंस अकेडमी में एनडीए की तैयारी के लिए फिजिकल के लिए प्रशिक्षित कोच है, आधुनिक उपकरणों वाली जिम है और पढ़ाने के लिए काबिल अध्यापकों की एक टीम है, यानी एक शानदार अकेडमी है जहां पर एनडीए की तैयारी आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। हमने यहां पर एनडीए की तैयारी कर रही कुछ लड़कियों से भी बातचीत की। मेरा नाम प्रीति है, मैं हरियाणा से आई हूँ, मैं एनडीए की तैयारी कर रही हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊँगी, नहीं होगा मुझसे, मैं बाहर नहीं जा सकती, लेकिन जैसे ही मैंने YouTube पे देखा, मैं सोनिया मैम का वीडियो देखा, तो मुझे लगा मैं वहाँ जा सकती हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तैयारी हो रही है और मुझे लगता है मैं कुछ कर सकती हूँ। यहाँ पे सारे टीचर बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल गजा सा माहौल लगता है। यहाँ पे सारी सुविधाएं, यहाँ पे जिम की, ट्रेनिंग की और रेस की, मेरी रेस बहुत ही ख़राब थी लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आई तो मुझे लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ। अब मुझे लगता है मैं कुछ करके ही जाऊँगी, मैं कहीं ना कहीं मैं एनडीए में ज़रूर रैंक लेके आऊँगी। मेरा नाम सोनू यादव है, मैं सिक्के प्रॉपर सिक्कर से हूँ और मतलब मैं यहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी से अकेडमी की तैयारी करने के लिए आई हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हो रहा है और यहाँ पे मतलब अच्छी रनिंग हो रही है। मैं आई थी तब मेरी रनिंग बिल्कुल डाउन थी, अब मेरी रनिंग बहुत अच्छी हो रही है और मतलब यहाँ पे खाना प्रॉपर अच्छा मिलता है, टाइम टू टाइम मतलब रनिंग होती है और जिम वगैरह भी अच्छी होती है और रीडिंग भी अच्छी होती है और सब टीचर्स भी अच्छे हैं और मैम भी मतलब अच्छी है, जब परिवार के जैसे लगता है मुझे यहाँ पे रहना।
मेरा नाम सोनिया है, मैं हरियाणा से आई हूँ। यहाँ पे मैं CDS की तैयारी करती हूँ और यहाँ पे ना टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, मेरे फिजिकल्स भी बहुत अच्छे से करवाते हैं। स्टडी में हर क्लास प्रॉपर टाइम टू टाइम लगती है और फिजिकल भी बहुत अच्छे से करवाते हैं और सोनिया मैम भी बहुत अच्छे हैं, हमें बिल्कुल फैमिली की तरह रखती थी। मेरा नाम खुशी रेवाड़ा, मैं झुंझुनू से हूँ प्रॉपर। मैं NDA की तैयारी के लिए आई हूँ। यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है, मैम भी बहुत अच्छे हैं। और मेरे को लगता नहीं था कि मेरे NDA में सिलेक्शन होगा, अब मेरे को लगता है कि मेरा NDA में सिलेक्शन होगा और मैं यहाँ से NDA में सिलेक्शन लेके ही जाऊँगी। मेरा नाम किरण सिद्ध है और मैं बीकानेर से हूँ। यहाँ पर मतलब पहले ये सब अकेडमी नहीं थी गर्ल्स की, और यहाँ पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल गर्ल्स जैसा माहौल हो। और यहाँ पर फिजिकल भी अच्छी होती है, यहाँ पर जिम की भी सुविधा है, टीचर भी अच्छे हैं और सोनिया मैम भी अच्छी है। पहले मुझे अकेडमी नहीं मिली थी और फिर मैंने मैम सोनिया मैम का यूट्यूब पर देखा तो मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं SSGT और मिलिट्री पुलिस की तैयारी कर रही हूँ और मुझे यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ करके जाऊँगी यहाँ से। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी आने वाली है, अतः उसकी तैयारी के लिए लड़कों और लड़कियों के लिए 8 नवंबर से कर्नल छम्बूज डिफेंस एकेडमी में बेस शुरू होने वाला है। अतः जो भी अभ्यर्थी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने का इच्छुक हो वो तुरंत कर्नल छम्बूज डिफेंस एकेडमी के अंदर संपर्क करें। तो ये थी कर्नल छम्बूज डिफेंस एकेडमी सीकर में NDA कोचिंग के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में हम इसी तरह की जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।